बर्जर के तकनीकी प्रयोग से पेंटिंग जल्दी, साफ सुथरी और बेहतरीन तरीके से होती है। ये है बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग की सेंडिंग मशीन। सेंडिंग मशीन के पुर्जों को इस तरह एकत्रित किया जा है। ये है स्पीड रेगुलेटर बटन। पाइप के मुंह को वैक्यूम सेक्शन बैग में डालना ना भूलें। स्टार्ट बटन को दबाने से मशीन काम करना शुरू करता है। इस तरह से आप सेंडिंग मशीन को यूज कर सकते हैं दीवारों पर। सेंडिंग मशीन को आप सीलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल के एंगल बहुत अहम है। कॉर्नर इस्तेमाल करने के पहले सेंडिंग मशीन के सामने वाले पार्ट को हटाना पड़ता है। सेंडिंग के बाद दीवारों की चिकना हटा जाती है और सारी धूल बैग में एकत्रित हो जाती है। ये है हैंडहेल्ड सेंडिंग मशीन जो कि कम हाइट तक ही इस्तेमाल की जा सकता है। है बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग का मल्टीपर्पज मिक्सर। मल्टीपर्पज मिक्सर के पुर्जों को इस तरह से एकत्रित किया जाता है। मल्टीपर्पज मिक्सर को पुट्टी और टेक्सचर मिक्सिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साफ डिब्बे में पुट्टी डालें और इंस्ट्रक्शन के अनुसार सही मात्रा में पानी डालें। अब स्टर को डिब्बे में डालें। स्टार्ट बटन को ऑन करें। अब दोनों का मिश्रण अच्छे से तैयार हो रहा है। मशीन के स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। यह है बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग का ऑटो रोलर। ऑटो रोलर के पुर्जों को इस तरह से एकत्र किया जाता है।
सक्शन ट्यूब को पेंट के डिब्बे के अंदर रखें। ट्यूब पे क्लिप लगाएं ताकि वो अपनी जगह बनी रहे। स्टार्ट बटन को दबाने से मशीन काम करना शुरू करता है। पहले निश्चित करें कि पेंट रोलर तक पहुंच रहा है। अपने पेंटिंग के रफ्तार के अनुरूप कंट्रोल वॉल्व को बढ़ाएं या घटाएं। अब पेंटिंग के लिए रोलर पूरी तरह से तैयार है। ये है बॉजर एक्सप्रेस पेंटिंग का हाई प्रेशर वॉशर। हाई प्रेशर जेट वॉशर मशीन के पुर्जों को इस तरह से एकत्र किया जाता है। एयर गन को खुली अवस्था में कुछ सेकेंड्स पकड़ें ताकि हवा नोजल से बाहर चली जाए। स्टार्ट बटन को दबाने से मशीन काम करना शुरू करता है। मशीन में प्रेशर की मात्रा जरूरत के हिसाब से बनाए रखें। एयर गन और दीवार के बीच कम से कम 16 इंच की दूरी बनाए रखें। किसी खास जरूरत पर मशीन के प्रेशर को मैक्सिमम तक बढ़ाया जा सकता है। जिद्दी दाग और मैल के लिए नोजल को दीवार के पास लाएं। लगातार इस मशीन को सिर्फ आधे घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है बॉजर एक्सप्रेस पेंटिंग का एयरलेस पेंट स्प्रेयर। एयरलेस पेंट स्प्रेयर को इस तरह से एकत्रित किया जाता है। स्टार्ट बटन को दबाने से मशीन काम करना शुरू करता है। प्राइम वॉल्व को नीचे की तरफ घुमाएं। प्रेशर को बढ़ाकर मोटर को चालू करें। सिफोन ट्यूब को पेंट के डिब्बे में डालें। एयर गन के बटन को दबाएं और प्रेशर को बढ़ाते रहें। जब तक पेंट चढ़ना शुरू करे, प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता तब तक बढ़ाते रहें जब तक पेंट समान भाग से स्प्रे होने लगे। एयर गन को दीवार से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर सीधा पकड़ें। स्प्रे करने के समय एयर गन को दाएं और बाएं तरफ लेते रहें। हर बार 50% भराते रहें। वाटर बेस्ड पेंट के लिए पानी यूज करें और ऑयल बेस्ड पेंट के लिए इंटियो। Thank you.
बर्जर एक्सप्रेस पेंट एक अनोखी पहल है। ये टूल्स किट बर्जर चुनिंदे डीलर्स के पास पाए जाएंगे। इन मशीनों को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए डीलर द्वारा भेजे गए मास्टर पेंटर्स लिए बर्जर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करेगी। डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग टेक्नोलॉजी को टीवी पे अधिक से अधिक मात्रा में प्रमोट किया जाएगा, ताकि ग्राहक खुद आकर इस टेक्नोलॉजी की मांग करें और पेंटर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा काम कराएं, जिससे पेंटर, डीलर और कस्टमर तीनों फायदे में रहें। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग, फाटर, क्लीनर, बेटर।